नमस्कार, मैं आपके साथ काजल तिवारी और आप देख रहे हैं आई4ए न्यूज। पुलिस, मीडिया तथा जाति सूचक शब्द न लिखवाने के हाईकोर्ट के आदेश देने के बावजूद भी लोग कर रहे हैं नियमों का उल्लंघन। प्रयागराज के एसएसपी द्वारा दी गई जानकारी। जिला प्रयागराज में लगातार पैदल गश्त यानी कि फुट पेट्रोलिंग शाम के समय चल रही है। इसी दौरान यह देखा गया कि तमाम वाहन, दो पहिया चार पहिया वाहन जिस पर पुलिस लिखा है, प्रेस लिखा है, पत्रकार लिखा है, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, मीडिया, हाई कोर्ट, न्यायालय इत्यादि शब्द लिखे हुए हैं, परंतु उनके द्वारा ट्रैफिक नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। कहीं पे नंबर प्लेट पे नंबर गायब है, कोई हेलमेट नहीं लगाया है, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाया है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, किसी के पास आरसी नहीं है, कोई लहरा कर गाड़ी चला रहा है, कई बाइक्स पे तीन तीन चार चार की संख्या में सवारियां बैठी हुई हैं। ये सभी सिम्टम कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता, कानून को न मानना तथा आपराधिक गतिविधियों की संभावना के प्रतीक। इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। फुट पेट्रोलिंग के दौरान ये सारी चीज़ें नज़र आने पर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। उसी अनुक्रम में सबसे पहले अपने ही विभाग यानी पुलिस विभाग के ये ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर के बाइक पर जो नंबर प्लेट पे नंबर था वो मिटा हुआ था, उसको संज्ञान में लिया गया और इसको घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए चालान काटा गया है। ये ट्रैफिक के जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ चेतावनी भी जारी की जा रही है ताकि सबको एक संदेश मिल सके। मेरा आम जनमानस से अपील है, प्रयागराज जनपद वासियों से अपील है कि कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अपने दो पहिया चार पहिया वाहनों पे स्पष्ट नियमानुसार नंबर प्लेट और नंबर का प्रयोग करें। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी इत्यादि साथ रखें। सड़क पर लहरा करके गाड़ी न चलाएं। एक बाइक पर दो सवारियों से अधिक न बैठाएं। हेलमेट का प्रयोग जरूर करें ताकि न केवल आपका बेशकीमती जीवन बच सके, दूसरों का भी जीवन बच सके और सड़क पर सभी लोग सुरक्षा से चल सकें और एक सुकून और अनुशासन का वातावरण प्रयागराज जिले में कायम हो सके। इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग की गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।